समीरा, रो मत, कैसे बच सकते? जिस तकलीफ से तुम गुजर रही हो मैं महसूस कर सकती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि शादी टूटने का दुख इतना ही गहरा होता है जितना कि शादी पे लगी मेहंदी का रंग अब तार ही नहीं उतरता। इसलिए मैं समझ सकती हूँ। कोई नहीं समझ सकता भाभी जो मुझ पर बीती है, जो जो मेरे साथ हुआ है ना, कोई नहीं समझ सकता। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके शादी के जोड़े को आग लगा दूं। देखो मैं समझ भी सकती हूँ और मैं जान भी सकती हूँ क्योंकि ये लम्हा मुझ पर भी आया। मैंने भी तो जलाया था अपनी शादी का जोड़ा, लेकिन अगर उसको जलाने से ये दिल के अंदर जो दुख की आग है वो बुझ जाती तो तुम्हारे साथ मिलके जलाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। पता है कि ये कैफियत किसी कयामत से कम नहीं होती। वो लम्हा मुझ पर भी किसी कयामत से कम नहीं था और मैं जानती हूं कि अभी तुम पर भी वही गुजर रही होगी। इसीलिए कोई समझे या ना समझे मैं समझती हूँ तुम्हारा दुख। तुम्हारे मामले में और मेरे मामले में एक फर्क था, मेरे साथ तो ये सब कुछ बेखबरी में हुआ था। तुम्हारे साथ जिसने ये किया है तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब था, तुम उसको अपना खैरख्वाह समझती थी। तुम्हें याद है ना जब वो पायलट वाला रिश्ता आया था तब भी मैंने तुम्हारी तवज्जो दिलाने की कोशिश की लेकिन तुम्हें गलत ही लगती थी। वरना देखा जाए तो सब कुछ तय हो गया था। लड़के के घर वाले भी मान गए थे, उन्होंने हाँ भी कर दी थी। लड़का तुम्हें मिलने भी आया था, मिलने आया था मतलब तुम्हारी तस्वीर भी देखी होगी। ऐसे ही तो नहीं मिलने के लिए हाँ भी भर दी ना। इसलिए अगर उस वक्त ही हुर्रम की नियत का अंदाजा लगा लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अमीरा, अमीरा रो मत। देखो ये बात करके मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी, तुम्हें हर्ट नहीं करना, सिर्फ तुम्हें आईना दिखाना चाहती हूँ। हमेशा तुम्हें वार्न किया है मैंने, तुमने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। आज देख लो ना क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैंने तो कभी कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं जानती हूँ तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मुझे पता है। तो फिर मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब?
देखो अमीरा, इधर देखो, जिसने जो नुकसान पहुंचाना था ना, उसने पहुंचा लिया। अब आगे के लिए होशियार हो जाओ, तो ऐसे ही हर किसी पर भरोसा नहीं कर लेते। पता है मसला क्या है? मेरी पोजीशन ऐसी है कि कुछ बोलने से पहले या किसी को होशियार करने से पहले ना, इस घर में मुझे 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हुरम ठहरी पसंदीदा लाडली बहू, पढ़ी लिखी, लाखों में कमाने वाली, उसके सामने तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। अल्लाह पर भरोसा करो, मेरी भी टूटी थी ना शादी, उसके बाद मुझे हारिस मिले हैं, तो तुम्हें भी कोई बहुत अच्छा इंसान मिलेगा इंशाल्लाह। अगर तुम्हारे नसीब में हुआ तो क्या ही बिगाड़ सकती हूँ तुम्हारा। गाया था किसी का? देखो मेरा, रो मत, मुझे तुम्हें इस तरह रोता देख के बहुत बुरा लग रहा है। अल्लाह पूछेगा ऐसे लोगों से, इतना पढ़ लिख कर, इतनी तालीम हासिल करके क्या करते हैं? लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और वो भी तुम जैसे मासूम लोगों। तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम इस घर में अपना मकाम बनाने पे फोकस करो। लो भाई, ये हुरम के लंदन जाने से मेरी जिंदगी में क्या अच्छाई हो गई? बेवकूफ लड़की, जब हुरम यहां नहीं होगी तो अम्मा के पास बस तुम होगी। मौका होगा ना तुम्हारे पास, बैठो उनके पास, बातें क्या करो उनसे, पूछा करो किसी चीज की, किसी हेल्प की जरूरत है तो। इस घर में नौकरों की फौज है, उनके होते हुए भी अगर मैं घर के काम करूं तो क्या फायदा मेरा इस घर की बहू बनने का? सोबिया, बात को समझा करो, मोहब्बत से, खिदमत से, बातों से तुम्हें अम्मा का दिल जीतना है। इस घर में जो मकाम मेरा है ना, मैं चाहता हूं मेरी बीवी का भी वही मकाम। और फिलहाल तुम जानती हो, इस घर में जो मकाम हुरम का है तुम्हारा नहीं है।